इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षा 17 नवंबर से शुरू हो रही है और इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो सीरीज लेके आया हूँ। आज चर्चा करूंगा पार्ट टू की। पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर के वीडियो इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और उनके पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। हर क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में कब पूछा गया आरपीएससी द्वारा 2024 में। तो सबसे पहले चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं जो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम जो कि आपके 30/6/2024 को परीक्षा का आयोजन किया गया था, 30 जून 2024 को परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा और ये एग्जाम आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया। इससे आपको पता चल जाएगा कि 2024 में आरपीएससी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो किस लेवल के पूछा करती है। पहला क्वेश्चन है, निम्न राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखकों और उनकी पुस्तकों को सुमिलित कीजिए। यानी एक साइड लेखक है और एक साइड पुस्तक है, जिन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 के लिए सम्मानित किया गया है वो आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है राघवेंद्र रावत। तो राघवेंद्र रावत की जो पुस्तक का नाम था वो आपका था मारक लहरों के बीच, यानी कि पहले का आपका चौथा है। दूसरा पुरुषोत्तम पोमल, पुरुषोत्तम पोमल की जो पुस्तक थी वो पाषाण पुत्री शतरानी हीरा दे थी। रतन कुमार सांबरिया की जो पुस्तक थी वो सांप थी और बिलाल पठान की जो पुस्तक है अ पेड़ फल बेचेंगे, यानी कि चौथा तीसरा पहला दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ये कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित किया गया, 14 से 16 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया, संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया गया। तो इसमें से सही आपका केवल सी है, संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। यह भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत जल स्थल अभ्यास था। यह अभ्यास 18 से 29 फरवरी 2024 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। तो इसमें जो आपका दे रखा है ना तो फर्स्ट सही है और न ही सेकेंड, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के प्रथम सौतन मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब कहाँ और किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है 28 फरवरी 2024 विशाखापट्टनम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 15 मार्च 2024 दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 22 मार्च 2024 कोलकाता गृह मंत्री अमित शाह या 30 मार्च 2024 मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय नौसेना के प्रथम सौतन मुख्यालय नौसेना भवन का जो उद्घाटन है वो 15 मार्च 2024 को दिल्ली में किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, एक संधारणीय शहरी भविष्य के लिए आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि और जल। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 को जो थीम है वो है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संशोधन नियम 2024 किस स्थिति से प्रवृत्त हुए। 23 मार्च 2024, 16 जनवरी 2024, 14 फरवरी 2024, 11 मार्च 2024। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में नागरिकता नियम 2024 किस स्थिति से प्रवृत्त हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2024, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या हैं? सौर के 75,000 मेगावाट, पवन व हाइब्रिड के 15,000 मेगावाट, या सौर के 70,000 मेगावाट, पवन हाइब्रिड के 10,000 मेगावाट, सौर के 65,000 मेगावाट, पवन हाइब्रिड के 15,000 मेगावाट, या सौर के 60,000 मेगावाट, पवन हाइब्रिड के 10,000 मेगावाट। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर के लिए 65,000 मेगावाट और पवन हाइब्रिड के लिए 15,000 मेगावाट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है, ये नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राजस्थान के स्कूलों में नवीन शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोण मूल्यांकन सुधारों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है, ये गलत है। दूसरा, आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान से 100 विद्यालय को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया, ये सही है। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो केवल और केवल बी है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब तक जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए, ये असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम 30 जून 2024 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए क्वेश्चन की चर्चा की थी। नेक्स्ट जो करंट अफेयर के मैं क्वेश्चन चर्चा कर रहा हूँ, ये आपके आरपीसी द्वारा एक्सप्लोरेशन एग्जाम आयोजित किया गया था। इस परीक्षा का आयोजन 19 जून 2024 में किया गया था। तो 19 जून 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को अपना राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया है। दूसरा है, पैरा निशानेबाज शीतल देवी ने WSPS पैराशूटिंग विश्व कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल SH-1 में श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ओनली फॉर वन होगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? रतन कुमार सांबरिया, हरीश बी शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, चेतन ओदीचिते। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए जो देवराज उपाध्याय पुरस्कार है यह हरीश बी शर्मा को दिया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बजट 2024-25 में राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सलेटर स्थापित करने की घोषणा की है? जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर में आपके अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेटर स्थापित करने की घोषणा की गई है, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, सॉरी, पांचवा होगा इसमें, जोधपुर नहीं होगा, उदयपुर होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों के लिए एक सुविधा पोर्टल पोस्टल बड़ी आरंभ किया है। इस पोर्टल का उपयोग केवल आवश्यकता सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों और चुनाव कार्य के लिए नियुक्त मतदाताओं के लिए ही किया जा सकता है। तो इसमें आपका ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर के लिए वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी परमानेंट हेतु नामांकन प्रस्तुत किया? कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप के मध्य नवाचार और सहयोग को उत्प्रेरित करने के लिए संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्टअप्स के मध्य नवाचार और सहयोग को उत्प्रेरित करने के लिए संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का जो 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया वो कौन सा संस्करण था? वो आपका चौथा संस्करण था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में अपार एक देश एक छात्र आईडी कार्ड पर एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो अपार की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक असेसमेंट एंड रिकॉर्ड्स, या एकेडमिक प्रोफाइल एंड अचीवमेंट रिपोजिटरी, या ऑल पर्पज एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, या ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो जो अपार की फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है?
67वीं राष्ट्रीय विद्यालयीन कबड्डी अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता भरतपुर में आयोजित की गई है। वेदा 2024 जयपुर, लखपति दीदी सम्मेलन 2024 बेणेश्वर धाम या हरित संगम 2024 भीलवाड़ा। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो ए हो जाएगा, 67वीं राष्ट्रीय विद्यालयीन कबड्डी अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता भरतपुर में आयोजित नहीं की गई थी। वेदा 2024 जयपुर सही है, लखपति दीदी सम्मेलन बेणेश्वर धाम सही है, हरित संगम भी भीलवाड़ा सही है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एबल पुरस्कार भौतिकी में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। लुइस ए कैफरेली को संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उपयुक्त दिए गए में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं आगे आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा वो आपके केमिस्ट एग्जाम 2024 जिस परीक्षा का आयोजन 5 अगस्त 2024 में किया गया था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली यहाँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए करंट अफेयर के कंटेंट देखने को मिलेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन संरक्षण 2024 क्या है? जल सुरक्षा और सामुदायिक विकास सुनिश्चित करने हेतु पारंपरिक स्थानीय जल निकायों को संरक्षित करने का एक अभियान, गोवंश पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान, पोखरण रेंज में आयोजित भारत व जापान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास या पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित एक अखिल भारतीय समूह। तो मिशन संरक्षण 2024 क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवंश और पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फ्लैग 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, यह बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 27 मई से 7 जून 2024 तक अमेरिका में आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया। तो उपयोग दिए गए में से कौन सा कथन सही है? आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल सेकेंड सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संदर्भ में निम्न तथ्य पर विचार कीजिए। यह कैंपेन 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक संचालित किया जाएगा, ये आपका असत्य है। राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ओआरएस और जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है, ये आपका सही है, यानी कि जो उसमें करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी सत्य है, ए असत्य है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा। तो राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम जूली, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते हैं? 25, 22, 19, 15। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते हैं? 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। स्विफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं की 25 मीटर राइफल शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर केवल और केवल ए हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान के 15 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर ओनली फॉर केवल कथन ए सत्य है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया? सीकर में 9.16 लाख, झुंझुनू में 7.16 लाख, सीकर में 7.16 लाख, झुंझुनू में 9.16 लाख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीकर में 9.16 लाख, यानी कि ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 39, 50, 41, 35। तो विश्व आर्थिक मंच के यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जो भारत है वो 39वें स्थान पर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके क्यूरेटर एग्जाम 2024 जिस परीक्षा का आयोजन 19 जून 2024 को आरपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था उसमें पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा करूंगा। और कल भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। इसलिए वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब किए। पहला क्वेश्चन है, राज्य के जिला अस्पतालों में हाल ही में स्थापित वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई का नाम है? मातृ पितृ सदन, रामाश्रय, दशरथगर, भीष्मगृह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामाश्रय। जो वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई है उसका नाम है रामाश्रय, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? इंडोनेशिया, मिस्र, अल्जीरिया, सऊदी अरब। तो हाल ही में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक में भारत के साथ जो भाग लिया वो है सऊदी अरब, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान राज्य में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित कितने लोगों ने भागीदारी की? 1,33,00,000 से अधिक, 1,13,00,000, 1,03,00,000, 1,23,00,000। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस वर्ष सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान राज्य में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित 1,33,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सारण को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया? गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सारण को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो यूथ आइकन बनाया गया वो श्री गंगानगर के लिए बनाया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है? लगभग 2,00,000, 10,00,000 से अधिक, 5,00,000 से अधिक, लगभग 3,00,000। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5,00,000 से अधिक, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बॉन लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है? रति सक्सेना, किरण बादल, नैना अग्रवाल, हिमांगी चक्रवर्ती। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमांगी चक्रवर्ती, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक मारथन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम REC लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ बिजली और गैर बिजली बुनियादी ढांचा सेक्टर की परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत REC लिमिटेड सालाना ऋण उपलब्ध करवाएगी ₹20,000 करोड़ तक अगले 6 वर्ष के लिए, या ₹10,000 करोड़ अगले 6 वर्ष के लिए, ₹10,000 करोड़ अगले 3 वर्ष के लिए, या ₹20,000 करोड़ अगले 3 वर्ष के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ₹20,000 करोड़ तक का अगले 6 वर्ष के लिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया, वो किस खेल से संबंधित है? वुशु, शतरंज, कुश्ती, पैरा एथलेटिक्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की प्रदान किया गया है, तो वो आपके है जो पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के आर्यन सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को प्राप्त करने वालों में से एक है, उन्हें यह किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? कला संस्कृति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, या खेल? तो इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने याउंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, इस घोषणा का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करना, भूख की समस्या से निपटाना, कोरोना का निवारण, या गरीबी का निवारण? तो हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने याउंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, इस घोषणा का किस विषय से संबंध है? तो इस घोषणा का मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने से संबंधित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर की सेकेंड क्लास।
फर्स्ट क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और कल एक और क्लास आएगी जिसमें आपके आरपीएससी द्वारा और भी क्वेश्चन है जो कि 2024 में करंट अफेयर के रूप में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आरपीएससी द्वारा 2024 में करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो किस लेवल के पूछा करती है। इसकी पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड कोई भी कंटेंट लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा।